स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई 498A का केस हुआ है तो आप अपने लिए आप जो सबूत इकट्ठे करते हैं वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, उन्हें आप किस तरह से कोर्ट में पेश करेंगे कि कोर्ट उन पर संज्ञान लेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता देता है, मतलब कि कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का संज्ञान लेता है, लेकिन किसी भी प्रूफ को अगर आप कोर्ट में देते हैं तो उसको आप किस तरह से पेश करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग ले गए, आप किसी भी तरह से चैट्स ले गए व्हाट्सएप के और वो कोर्ट मान्य कर लेगी, उस पर संज्ञान ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब हमारे ऊपर कोई 498A का केस होता है तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि आपको ये पता है कि कोर्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में हम ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ हम दे सकते हैं, तो कहीं कहीं किसी किसी केस में आप क्या करते हैं कि आप जब अपनी वाइफ से बात करते हैं तो आप इस तरह की कुछ बातें करते हैं जिससे कि वो गुस्से में आ करके कुछ चीज़ें बोल देती हैं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोल देती हैं, और आपके दिमाग में वहाँ पर ये है कि आप जब इस तरह की बात करेंगे तो आपकी वाइफ गुस्से में आ करके और अपना एक जो होता है एक मानसिक संतुलन इंसान गुस्से में खो देता है, तो उस वक्त वो इंसान क्या क्या बोलता है वो नहीं समझ पाता, तो इस तरह की बातें करेंगे और आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो आप उसको अदालत में आप एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह से आपकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं आप उसे किस तरह से दे सकते हैं, या आपकी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप किस तरह से कोर्ट में दे सकते हैं जिससे कि वो आपके मामले में कोर्ट उस पर संज्ञान ले, आपको निर्दोष साबित करने के लिए, आपको आरोपों से बरी करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चैट्स की, तो कोर्ट में जो मान्यता दी गई है वो व्हाट्सएप चैट्स को दी गई है, न कि फेसबुक के, क्योंकि फेसबुक चैट अगर चैट्स को अगर हम देखें तो अगर हमारे पास किसी की आईडी और पासवर्ड है तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी आईडी को खोलेंगे और खोल करके अपने मैसेज बॉक्स में हम मैसेज कुछ टाइप कर लेंगे, इधर से हम अपने साइड से भी मैसेज कर देंगे, उन्हें भी मैसेज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने क्या किया है, आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, आपके पास उसकी आईडी और पासवर्ड था तो आपने सबूत आपने बनाए हैं, जो साक्ष्य हैं वो मिथ्या हैं, वो आपने खुद बनाए हैं, तो इसलिए कोर्ट एफए के मैसेजेस को कॉग्निजेंस में नहीं लेता है। कोर्ट ने क्या मान्यता दी है, व्हाट्सएप चैट्स को मान्यता दी है, क्योंकि व्हाट्सएप हर इंसान का पर्सनल सोशल इनबॉक्स है, उसमें आप पर्सनली किसी को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है और आपके मोबाइल में जिस नंबर से व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा उसी नंबर से आप दूसरे को मैसेज कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप चैट्स की अगर हम बात करते हैं तो आप व्हाट्सएप चैट्स का अगर आप प्रूफ देते हैं तो यहाँ पर आपको पूरे चैट्स, ऐसा नहीं है कि कुछ आप चैट्स आप डिलीट कर दीजिए जिसमें आपने क्या किया है कि आपने अपने साइड से जो आपने बातें की हैं उसको आपने डिलीट कर दिया है, और जो आपकी वाइफ ने जो बातें की आपने उसको आप रखे हुए हैं। तो अगर आप इस तरह के चैट्स का अगर आप संज्ञान देना चाहते हैं, आप इसको प्रूफ देना चाहते हैं, तो ये कभी भी मान्य नहीं होगा। उसके बाद फिर एक बात और कि जो भी बातें हुई हैं वो शुरू से आपने किस तरह से बात की, आपकी पत्नी ने किस तरह से बात की, वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट देखता है कि अगर आप कोई बात बता रहे हैं कोर्ट में तो उसके आगे क्या हुआ होगा और उसके बाद उसके पीछे क्या हुआ होगा, तो कोर्ट उन सब बातों को देखता है, उन सारी बातों पर वो संज्ञान लेता है। तो इसलिए ऐसा ना करिए कि आप आगे की कुछ बातों को आप डिलीट कर दीजिए और बाद की बातों को आप एज अ प्रूफ आप दे दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप चैट्स को देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मोबाइल है वो कोर्ट में जमा करनी पड़ सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो आपकी मोबाइल को जमा कर लेगी अगर आप कोर्ट में व्हाट्सएप चैट्स की चैट्स को एज अ प्रूफ देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह की मान्य होती है, आप अपने मोबाइल में छोटी छोटी क्लिप्स बना लिए, जैसे कि अचानक से कुछ हुआ और आपने उसे क्लिप आप उसकी बना लिए, अब जो हो रहा है आप क्लिप आप किसकी बना रहे हैं, केवल उतनी बातों की बना रहे हैं जितनी बातें आपको लगता है कि आपके फेवर में जा सकती हैं, बाकी को आप छोड़ दे रहे हैं,
तो ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग कभी भी मान्य नहीं करेगी कोर्ट। वीडियो रिकॉर्डिंग किस कंडीशन में मान्य होती है? जबकि आपके घर के किसी एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, या किसी ऐसे एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगा है जहाँ पे आपकी और आपकी पत्नी की के बीच में कुछ मतभेद हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या हो सकता है किसी किसी कंडीशन में मारपीट भी हो जाती है। तो ऐसे किसी एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पे हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, और उसके साथ ही आप दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई, जो भी मतभेद हुआ, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो गई, तो ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग को अगर आप प्रूफ के रूप में देते हैं तो इस पर कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी और ये आपके फेवर में होगा। आपके लिए ऐसी रिकॉर्डिंग एक बचाव के रूप में काम करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम बात करते हैं, हर किसी के मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर होता है और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपनी हर कॉल को वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस पर्पस से अपनी सारी कॉल को वो रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आप उनमें से हैं तब तो आपका आपका वो रूटीन है कि आप सबकी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, और आप वैसे ही आपकी वाइफ की भी जब कॉल आती है, उसके घर के साइड से किसी की कॉल आती है, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप इसे कोर्ट में देते हैं और बातों को बताते हैं कि आप हैबिचुअल हैं रिकॉर्डिंग करने के, तो आपने रिकॉर्डिंग की थी और आप उसी तरह से वाइफ की जो कॉल आई उसकी भी रिकॉर्डिंग हुई है, तो ऐसे रिकॉर्डिंग को तो कोर्ट मान्य कर लेगी। इसके बाद फिर एक बात और आती है कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी पत्नी बार बार आपको कॉल करती रहती है, टॉर्चर करती रहती है, धमकियां देती रहती है और उल्टी सीधी बातें करती रहती है, तो ऐसे कंडीशन में भी अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं कि बार बार कॉल आ रही है, तो आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। आप रिकॉर्डिंग करते हैं और ये रिकॉर्डिंग जो होनी चाहिए वो कॉल जब आप रिसीव कर रहे हैं तब से लेकर के लास्ट तक की होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बात करते करते बीच में, जब आपको लगता है कि पहले आपने क्या किया कि आपने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे आपकी पत्नी भड़क गई, अब भड़कने के बाद वो क्या कर रही है कि आपको उल्टी सीधी बात बोल रही है और गाली दे रही है या इस तरह की सारी चीज़ें कर रही है, जो कि जनरली होता है अगर हम नॉर्मली देखें तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि पहले एक साइड से बात कुछ ऐसी हो जाती है जिससे भड़क करके दूसरा इंसान अपने मन की सारी बातें बोलने लगता है, या तो मन की बातें या तो गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें भी बोल जाता है जो कि उसे पता है कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने क्या किया कि अपनी जो आपकी बातें थी आपने उसे कट कर दिया है और जो आपकी पत्नी की बातें थी आपने उसे रिकॉर्ड करके कोर्ट में दे रहे हैं, तो ऐसी रिकॉर्डिंग कभी भी, ऐसी ऑडियो कभी भी मान्य कोर्ट नहीं करेगी। ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग पर कोर्ट कभी भी संज्ञान नहीं लेगी। तो जो भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वो स्टार्टिंग से होनी चाहिए एंड तक की, बीच में जितनी भी बातें हुई सारी बातें उसमें होनी चाहिए, तभी कोर्ट ऐसी रिकॉर्डिंग को संज्ञान में लेती है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या क्लियर हुआ है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ अगर आपको देने हो तो आप किस तरह से देंगे? जैसे अगर आपको व्हाट्सएप चैट देना है तो वो चैट पूरा होना चाहिए, ना कि उसमें से कुछ डिलीट हुआ हो और ना ही उसमें कुछ आपने कुछ ऐड किया हो बाद में। दूसरा, अगर आपने रिकॉर्डिंग आपको देनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देनी है, तो वो अगर सीसीटीवी कैमरे से हुई हो तो सबसे बेस्ट होता है। छोटे छोटे रिकॉर्डिंग अगर आप देंगे तो कभी भी मान्य नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट जो है वो शॉर्ट और प्लांट प्रूफ को कभी भी मान्यता नहीं देती है। शॉर्ट का मतलब ये जो छोटी छोटी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड 2 मिनट, इस तरह की रिकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो कोर्ट इसको संज्ञान में नहीं लेती। और प्लांट का मतलब है कि आपने क्या किया कि आपने कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे भड़क करके अगले इंसान ने, आपकी पत्नी ने, कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तो ऐसे जो प्रूफ होते हैं, ऐसे जो सबूत होते हैं, उनको कोर्ट सुनते ही समझ जाती है। तो ऐसे प्लांट सबूतों पर कोर्ट कभी भी संज्ञान नहीं लेती है। तो इसलिए जब भी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या चैट की अगर आप बात करिए, अपने दिमाग में अगर आप लाइए कि आपको एज अ प्रूफ आपको देना है, तो आप इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ देते हैं तो उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा और वो आपके फेवर में पॉइंट होगा, आपके फेवर में होगा, और हो सकता है कि आप बहुत सारे आरोपों से अपने इन प्रूफ के माध्यम से आप बच जाएं। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने झूठे आरोपों से आप बरी हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कुछ और आपको जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।